क्या ईरान अपनी जिहाद मिसाइल से इसराइल को जला रहा था? क्योंकि जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ईरान की शक्ति प्रदर्शन की है, उसकी उन मिसाइलों की है जिनके सनक के आगे हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठन न कुछ सोचते हैं न कुछ समझते हैं। क्योंकि जब जब इन्हें जरूरत पड़ती है ईरान इनकी मदद के लिए खड़ा रहता है। जरा याद कीजिए, जब पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर एक के बाद एक रॉकेट दागे थे, तब कहा गया था कि ये हथियार उसे ईरान से मिले थे। लेकिन इस बार ईरान ने अपने जिन हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया उसमें 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली नई जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसमें कई तो 4000 किलोमीटर तक मार करने में भी सक्षम थी। इसके साथ ही कई आधुनिक ड्रोन थे। जानकारों की माने तो ईरान के इसी शक्ति प्रदर्शन ने आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि ये शक्ति प्रदर्शन ईरान ने इसराइल के पेजर अटैक और वॉकी टॉकी हमले के बाद किया था। अपने इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए ईरान ये बताना चाह रहा था कि उसके पास एक से एक हाईटेक मिसाइल हैं, जो जरूरत पड़ने पर खेल पलट सकती हैं। लेकिन कुछ होता उससे पहले इसराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मारकर पूरा माहौल ही बदल दिया, क्योंकि नसरल्लाह को मारकर इसराइल ने न सिर्फ लेबनान और ईरान बल्कि उसकी सोच रखने वाले तमाम देशों को ये संदेश दे दिया है कि इसराइल पर नजर डाली तो अगला नंबर उनका हो सकता है। On the one hand, a bright blessing, a future of hope. On the other hand, a dark future of despair. कहने वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ईरान ने अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन करके इसराइल को ना उकसाया होता तो हिजबुल्लाह का यह हश्र न होता। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.